हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बची हुई रोटी से उसका कैसे स्नैक्स बनाया जाए, जो रोटी बच जाती है उसका हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। देखो कितनी क्रंची बनी है, इससे आप टी टाइम में एंजॉय कर सकते हैं। मैंने 8 से 10 रोटी ली है, ये सुबह की रोटी थी। रोटी को फोल्ड कर दो, फिर उसको बीच में से कट कर दीजिए। उसके बाद उसको लंबे लंबे पीसेस करें, कुछ इस तरह से। सब रोटियां ऐसे लंबे लंबे पीसेस कर दीजिए। आप इसे ट्रायंगल शेप, राउंड शेप भी दे सकते हो। सारी रोटियों को लंबे लंबे पीसेस करना है। अब एक कढ़ाई में तेल डालें, फिर तेल गर्म होने के बाद सारी रोटियां डालें। बीच बीच में इसे हिलाते रहे ताकि सब जगह से फ्राई हो जाए। इसे गोल्डन ब्राउन तक तलना है। ये सब रेडी हो गया है। अभी इसे और चटपटा बनाने के लिए मसाले डालिए, मिर्ची, नमक, चाट मसाला जो आपको पसंद है वो सब ऊपर से डालें। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हो तो मिर्ची पाउडर स्किप कर दीजिए, आप चाट मसाला नमक डालिए। ये बच्चों को बहुत पसंद आती है, इसे आप लंच बॉक्स में भी आप इसे डाल सकते हो। फिर चाट मसाला डालें, ये ऑप्शनल है, आप स्किप कर सकते हो, पर इसे टेस्ट अच्छा आता है तो मैंने इसे डाला है। फिर इसे अच्छे से मिक्स कीजिए ताकि रोटी स्नैक्स में सब जगह कोट हो जाए। इसे चाय के साथ एंजॉय कीजिए। इसे अच्छे से मिक्स कीजिए, सारा मसाला रोटी स्नैक्स में मिक्स हो जाना चाहिए। देखो कितनी क्रंची बनी है। वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको मेरा ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू सो मच।